मृत्यु के बाद कहाँ जाती है आत्मा, कितने दिन बाद होता है पुनर्जन्म, जाने गरुड़ पुराण में बताई गई है खास बातें। जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे यूट्यूब चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो, नई जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक हमारे इस चैनल पर अवश्य बने रहें। तो ऐसे ही मित्रों, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। बता दें कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सपर यानी मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इंसान के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंडों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण का पठन सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दह संस्कार के बाद अगले 13 दिनों तक किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, और अगर कोई मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है तो कब, कहाँ और कितने दिन बाद लेता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। मृत्यु के बाद कहाँ जाती है आत्मा? गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा एक लंबा सफर तय करती है। सबसे पहले तो आत्मा को यमलोक लेकर जाया जाता है। इसके बाद यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपकी आत्मा को यमदूत सजा देते हैं। भाई अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका सफ़र काफ़ी आरामदायक रहता है। आपको बता दें कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तथा पहुंचने के लिए करीब 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। पुनर्जन्म तय कैसे होता है? बता दें कि पुनर्जन्म मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है और पूर्ण पवित्र आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति की आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत लेती है तो फिर उसे दोबारा दूसरा जन्म मिलता है। अगला जन्म किस योनि में होना है यह सिर्फ कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है।